हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विशांत है और मैं अभी लोकेशन है मेरी WS कॉलोनी में मैं खड़ा हूँ और ये मुंबई हावड़ा रेलवे ट्रैक है और यहाँ मैं आपको कुछ दिखाने आया हूँ। लेकिन मेरे को एक सवाल है, मैं आपसे सभी से पूछना चाहता हूँ जो मेरी वीडियोस देखते हैं या नए हैं और देख रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है रोटी के ऊपर है, क्योंकि आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कुछ चीज़ें ऐसी देख करके कि लोग किस टाइप के इंसान लोग हैं। कि आप चलिए वीडियो को देखते रहिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको भी बड़ा दुख होगा ये जानकर के कि हमारे देश में जितनी प्रगति हो रही है उतना ही खाने के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। और ऊपर से लोगों को ये सेंस नहीं है कि खाने को अगर किसी को हो सकता उस समय ज़रूरत हो तो वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को जागरूक किया। फिर मेरा सवाल है, अगर ये गलत है सही है इसका जो है कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों। क्योंकि भाई मैं आज जिस स्थिति से गुजर रहा हूँ ना, मुझे पता है कि मैं 100-200 के लिए मैं क्या क्या सोच के अपना दिन काट रहा हूँ, ठीक है। और यही चीज़ आज मैं दुख होता है कि अगर मैं इतनी चीज़ें जो वेस्ट में दे रखा हूँ। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे खाना तो यहाँ रोज़ इस पटरी पे आप आगे तक देखेंगे वो देखिए पूरा कचरा दिख रहा है ना, यहाँ पूरा ये डाल के जाते हैं। इसके चक्कर में और जो यहाँ के जानवर भी आते हैं पटरी पे, उनके साथ में हादसा हो रहा है डेली यहाँ पे। और दूसरी बात है, देखिए दोस्तों ये पैकेट है, ये आज का पैकेट है। देखो देखो आप आज देखेंगे ना, देखिए ये ऐसे दोस्तों ये रोटियां पड़ी हुई है दोस्तों ये बता रहा हूँ। ये देखिए रोटियां पड़ी है, ये दो दो के पैकेट में दोस्तों, ये करीब ये 100 पैकेट पड़े हैं दोस्तों। 100 पैकेट है, दो दो के दो दो रोटियां इसके अंदर में। और देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए ये देखिए दोस्तों, ये तीन तीन रोटियाँ पड़ी हुई है दोस्तों। देखिए साइज़ देखिए आप, ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये एक रोटी ये चिपक गई है, ये देखिए दोस्तों तीन रोटी का सेट है और इसमें करीब जो है करीबन 20-25 से ज़्यादा रोटियां पड़ी है दोस्तों। देखिए खाना देखिए दोस्तों, मतलब आप समझ सकते हैं ये 100 पैकेट है और ये करीब जो है 10 पैकेट है दोस्तों। अब देखिए मेरे जानवर कितना खाएंगे बताइए। और ये हो सकता था कोई गरीब इंसान, आप रेलवे के क्षेत्र में रहते हैं, ये ट्रेनें जाती हैं, लोग यहाँ पेंट्री कार वाले खाना फेंक देते हैं, ठीक है ये फेंक देते हैं खाना इस प्रकार। देखिए जानवर, देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, देखिए जानवर ऐसे आते हैं खाने के लिए और इनके साथ में देखिए ये हादसा हो जाता है। बहुत दुख हुआ दोस्तों जानकर के। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये वीडियो को शेयर करके उन जवाबदार लोगों तक पहुँचाइए जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। ये हादसे का कारण है दोस्तों, जानवर इसके चक्कर में उनकी स्मेल लेकर के आ जाते हैं पटरी पर, ट्रैक पे हादसा होता है और पड़े रहते हैं दोस्तों। बहुत हादसे मैंने देखे हैं, दुख हो रहा है। और छोटी मोटी चीज़ें होती तो मैं शायद आपको नहीं भी बताता, लेकिन मुझे ज़रूरी लगा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है। और देखिए खाने का देखिए दोस्तों क्या हश्र है, मतलब कोई इज्जत नहीं है। अगर हो सकता था कोई स्टेशन में किसी से ऐसी कोई संस्था हो जिससे संपर्क, आज बहुत सारी चीज़ें निकल के आ चुकी हैं, लोग उसको मतलब शॉर्टकट तरीका दोस्तों ये, लेकिन ये सही तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है ये सही है या गलत है आप मेरे को कमेंट करिए और बताइए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा दूर तक पहुँचाइए। रेलवे की भी आँख खुलनी चाहिए इसके लिए। थैंक यू सो मच। अगर मेरा विषय अगर आपको अच्छा लगा होगा और जैसा भी, तो इसको शेयर ज़रूर करेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में।